देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। देखो दो मीडियम हैं, म्यू टू है, म्यू वन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा 90 डिग्री, जिसको ग्रेज करना कहते हैं, सरफेस के यानी इंटरफेस के पैरेलल में लाइट रे चलने लगी, 90 डिग्री का एंगल बना दे। तो इस पर अगर स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करोगे, जिस मीडियम में लाइट रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन के साथ वो एंगल जो यहाँ पर लाइट रे नॉर्मल के साथ बना रही है एन एन डैश के साथ, तो कितना होगा, आई सी इज इक्वल टू, दूसरा मीडियम है म्यू वन और इस मीडियम में लाइट रे एंगल कितना बना रही है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, म्यू टू साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू वन इन टू 1, यानी साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, लिख सकते हो ना, ठीक है। अब इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या, साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू वन टू और प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वन म्यू वन टू को वन अपॉन म्यू टू वन लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ साइन आई सी इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू टू वन लिख सकता हूँ, और कई बुक में ये लिखा होगा सिर्फ म्यू, तो क्रिटिकल एंगल साइन आई सी इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू टू वन या वन अपॉन म्यू के बराबर होगा, ये अक्सर तुम बुक में देखे होगे, ये रिलेशन 10th में भी दिया रहता है, 12th की बुक में भी है, क्लियर है, डाउट है। तो क्रिटिकल एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू वन का ये रिलेशन है, साइन आई सी इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू टू वन, या उसको उल्टा रिवर्स भी कर सकते हो, म्यू टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन साइन आई सी, दोनों लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी हो रिवर्स भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर दो इसका, ठीक है। अब इधर देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं TIR, अक्सर शॉर्ट में आगे से हम लोग बात करेंगे, TIR जब भी वर्ड बोलेंगे तो समझ जाना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्राइटेरिया सेम है, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, जाने की कोशिश करनी चाहिए उसको, और जो दो इंटरफेस हैं वहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती, क्यों रिफ्लेक्ट होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट रे दूसरे मीडियम में यानी रेयरर मीडियम में यानी लेस डेंसर मीडियम में जाती ही नहीं है। यहां पर क्या हो रहा था, लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इंसिडेंट रे का क्रिटिकल एंगल के बराबर था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट रे दूसरे मीडियम में जा तो रही थी लेकिन ग्रेज कर रही थी, सरफेस के पैरेलल हो गई थी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया था। लेकिन अगर यही लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी ज्यादा होगा, 0.1 डिग्री भी ज्यादा होगा, तो लाइट रे अब दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर मान लो ये एंगल है 42 डिग्री, तो ये एंगल भी 42 डिग्री होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, याद रहेगा ध्यान, अरे बोलो जल्दी, हो गया, चलो।